नमस्कार दोस्तों, प्लेटफॉर्म नंबर वन में आपका स्वागत है। हम लोग अब जा रहे हैं यहाँ पर से एडला भीमाजी का जा रहे हैं, जो खोपोली में है। और हम यहाँ से निकले, थाना से भी निकले। और दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, पूरी यहाँ पर ज़ोरदार बारिश चालू हो गई है। शायद लगता नहीं है बारिश रुकने वाली है करके, मगर देखते हैं अभी क्या होता है। अब हम जा रहे हैं टूवर्ड्स वाशी, निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से। और अब हम लोग ने ओला की है यहाँ पर, ओला आउट स्टेशन। और बारिश बहुत, काफ़ी ज़ोरदार बारिश आ रही है यहाँ पर। शायद ऐसे लग रहा है कि यहाँ रुक जाए। ये दोस्तों जो ये एरिया है वो पनवेल का एरिया है। ये पूरा टाइल मार्केट है, बहुत बड़ा टाइल मार्केट है यहाँ पर। ये देखिए, यहाँ पर बहुत ही बड़ा, इसके पीछे भी आप जो देख रहे हैं ना, इसके पीछे भी बहुत बड़ा टाइल मार्केट है। अगर आपको कुछ घर में काम करवाना हो या कहीं पर काम करवाना हो, तो आपको यहाँ पर फ्लोरिंग वगैरह के लिए बहुत, काफ़ी अच्छे सच्चे सस्ते रेट में मिलते हैं यहाँ पर आपको। और ये टोल नाका आ गया, ऐसे तो ये बंद है अभी यहाँ पर, और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। अब रुक गई बारिश। अब हम पुणे एक्सप्रेस हाईवे पर है यहाँ से। काफ़ी थोड़ी देर में, शायद मुंबई से आने के लिए यहाँ पर 1.5 से 2 घंटे लगभग लग जाएंगे। और ये जो इमेजी का वाटर पार्क है, पुणे और मुंबई और ठाणे, ये दोनों के सेंटर में। पुणे से भी उतना टाइम आपको लग सकता है, और मुंबई से भी, मुंबई से भी आपको उतना ही टाइम लग सकता है। और दोस्तों, जैसे कि इनका ऐसे दावा है कि इमेजी का इंडिया का नंबर वन थीम पार्क है, एम्यूजमेंट पार्क है करके। तो चलो देखते हैं। और पार्क के बारे में आपको अगर बताऊं, ये तो ऐसे एक्सप्रेस वे चालू है अभी। और पार्क के बारे में आपको अगर बताऊं, तो ये 10 से 6 बजे तक पार्क चालू है। हम लोग अभी टनल में, हमारी गाड़ी टनल से बाहर निकल जाएगी। और अब थोड़ी देर में हम शायद आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। तो हम मिलते हैं अभी डायरेक्टली इमेजी का वाटर पार्क में ही मिलते हैं। वीकेंड में यहाँ पर ये देखिए, और हम पहुँच गए वाटर पार्क। ये एक्चुअली बाहर से मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ, ये थीम पार्क है। ये जो आप देख रहे हो थीम पार्क है, इसके लिए आपको एक पूरा दिन अलग से देना पड़ेगा, तो ही यहाँ के राइड्स होंगे। और काफ़ी अच्छी राइड्स है यहाँ पर। इसका कुछ शायद नाइट्रो करके नाम है इसका, इस राइड का। और यहाँ वीकेंड के लिए आपको काफ़ी भीड़ है, ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। अडल्ट्स के लिए 1000 रुपीज़ प्लस टैक्सेस, बच्चों के लिए 799 रुपीज़ प्लस टैक्सेस। ये स्प्लैश करके एक राइड है, ये यहाँ पर आपको ये ब्लू कलर का जो मैट है वो लेकर जाना पड़ता है वहाँ से। इसके बाजू में आप बगल में देख रहे हो, वो 90 डिग्री में का राइड है, जो आपको ऊपर से आप 90 डिग्री आते हैं। और ये है जो 70 डिग्री राइड है, ये एक अलग तरह का स्प्लैश है यहाँ पर। काफ़ी बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है यहाँ पर। और ये जो से लाइफ गार्ड्स वगैरह यहाँ पर, अच्छी सिक्योरिटी है, अच्छा स्टाफ भी कोऑपरेटिव है यहाँ का। और हाँ, आपको एक बात बोलना मेरी रह गई, अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करते हैं तो उसके आप प्रिंटआउट ज़रूर लेकर आइए यहाँ पर। और आप चलते हैं आगे वैसे। और यहाँ पर एक ऐसी सुविधा भी एक्सप्रेस पास करके मिलता है यहाँ खाने के लिए। हाँ, आपको एक बात बोलना भूल गए, यहाँ खाना बाहर का अलाउड नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ आपको इंडियन है, ये पिज़्ज़ा, ये फुल फैमिली साइज़ पिज़्ज़ा है, एक फैमिली आराम से खा सकती है, 6-7 जन। तो हम लोगों ने ये पिज़्ज़ा ऑर्डर किया हुआ है। और बाहर का खाना बिल्कुल अलाउड नहीं है।
और इंडियन फूड भी अलाउड है यहाँ पर। ये देखो, जो मैंने आपको 90 डिग्री की राइड बताई थी वो ये राइड है। यहाँ से आप सीधे बाहर निकल जाओगे पूरी तरह से। अगर आपको कमर वगैरह का प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल ये राइड में नहीं जाएंगे, और छोटे बच्चों को बिल्कुल अलाउड नहीं है ये राइड्स करने के लिए। और बच्चों के लिए एक वाटर वेव्स है, यहाँ पर डीजे बजता है, वाटर वेव्स भी है यहाँ पर। और ये एक राइड है, ये फनेल जैसा है, यहाँ पर बहुत अच्छी ये राइड है, मगर काफ़ी भीड़ है। हम लोग वीकेंड के लिए आए, काफ़ी भीड़ है। अब ये शाम का वक्त हो गया, हम बाजू के, ये हम बगल में ही नो होटल इमेजिक का होटल है, उस होटल के अंदर हम अब डिनर करने के लिए आ गए। तो ये होटल का मैं आपको एक नज़ारा दिखा रहा हूँ, ये जिम है वहाँ होटल की, इसके आगे स्विमिंग पूल है होटल का, बैक साइड व्यू है ये। ये पूरा होटल की बिल्डिंग है, काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर बनाया हुआ, काफ़ी अच्छा इंटीरियर है। अब हम रेस्टोरेंट में एंट्री कर रही है, रेस्टोरेंट का है वहाँ पर, अच्छे उन्होंने लैंप्स की जो डेकोरेशन की हुई है, बहुत ही अच्छा इंटीरियर लगता है। और 5 स्टार होटल है, खाना काफ़ी अच्छा है, थोड़ा महंगा है खाना मगर काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ है, ये उनका किचन है, ये यहाँ बुफे लगाया हुआ है उन्होंने। हमने तो ऐसे अलग-अलग टाइप ऑर्डर किया था, ये उनकी भट्टी है, और यहाँ पर से ये उनका सब ब्रेड्स वगैरह अचार सब। चलो दोस्तों, तो मिलते हैं, थैंक्स। आगे ऐसे ही मैं वीडियो शेयर करते रहूँगा। आपने ये वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपको फिर से एक बार धन्यवाद। कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो। अगर कुछ आपके सुझाव हो तो मुझे दीजिए, और प्लीज़ आप ये वीडियो सब्सक्राइब करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।